everyone, wishing you all a very happy May month. Now, today is 3rd May, a very, very powerful day. It is Akshaya Tritiya. So, I am introducing, I think this is for the first time on YouTube, a Domino's reading. Domino's reading? Yeah, this is a very beautiful reading with this beautiful tiles. See the beautiful tiles, and here are the three tiles with which I'll be telling you about the May month. बहुत ही ब्यूटीफुल सी टाइल्स हैं, आप देख रहे हैं. थ्री टाइल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी. नंबर वन टाइल इज फॉर द गाइडेंस, नंबर सेकेंड इज फॉर ऑब्स्टिकल्स, नंबर थर्ड फॉर आउटकम. आपका मे मंथ कैसा रहेगा? इजंट इट इंटरेस्टिंग? सी द टाइल्स, ब्यूटीफुल टाइल्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज. ओके, नाउ नंबर वन टाइल इज फॉर गाइडेंस. What is the guidance for the month of May? Okay, this is blank 4. Blank 4 is that adjustment करना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको May month में. Compromise करना चाहिए आपको May month में. बहुत ज़्यादा आपको overreact नहीं करना चाहिए, be it in your professional life or in your personal life. थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ेंगे मई मंथ में, रिकंसिडर करेंगे कोई भी प्लान्स आपके लाइफ में आ रहे हैं तो, एडजस्टमेंट करेंगे. बेटर टू हैव द राइट यू नो और फाइंड आउट द मिडिल वे. कहते ना, बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा जीवन में. अगर आपको मई मंथ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो याद रखिएगा ये रीडिंग मेरी. मई मंथ कहता है एडजस्टमेंट, रिकंसिडर थिंग्स एंड कॉम्प्रोमाइज. सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होके आगे बढ़ें, आप बहुत ब्यूटीफुली अपना मई मंथ को पास करेंगे. सेकेंड टाइल इज़ फॉर ऑब्स्टिकल. ओके, नाउ लेट्स सी योर ऑब्स्टिकल. ओके, दिस इज 2-2. नाउ 2-2 सेज इनर कन्फ्लिक्ट. बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं अपने आप से, पता है आप? अपने आप से झगड़ना मतलब इनर कन्फ्लिक्ट. किसी ना किसी बात के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. कई बार तो खुद ही अपने आप के दुश्मन बन जाते हैं आप लोग. दिस इज 2-2. समझना बहुत ज़रूरी है, मई मंथ के अंदर ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, नॉट द आउटर कन्फ्लिक्ट. बाहरी दुश्मन नहीं, ज़्यादा आप खुद के दुश्मन हैं. इतना ज़्यादा गिल्ट हो जाएगा किसी बात पे, कभी किसी बात पे अपने आप से खुद से झगड़ जाएंगे. बहुत सारा गिल्ट, बहुत सारे रिग्रेट्स लाइफ के आपके सामने आ जाएंगे. इमोशनली बहुत ही स्वीट हैं आप, प्लीज़ अपने आप से बाहर आइए इन लड़ाई झगड़ों से. ये ऑब्स्टिकल बन के मई मंथ में आपको परेशान करेंगी चीज़ें. यू नो, नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. इवन हर चीज़ को ग्रांटेड मत लिया करें आप. काम करना सीखें अपने अपने प्लानिंग्स पे, अपने विजन पे, अपने फोकस करें अपनी प्लानिंग पे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार आपको ओवर प्राइड हो जाता है चीज़ों पे, कई बार आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सो जाते हैं कि ओके ओके सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. नहीं बाबू, यू हैव टू गेट अप एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ. दिस इज़ द ऑब्स्टिकल विच इज़ कमिंग अवे इन द मंथ ऑफ मे, दिस मंथ 2022. देखिए मैंने क्या लिखा है, 20. आपने देखा यहाँ पे, वो गॉड, दिस इज 22. I was writing 2 here and I wrote there. No worries. Okay? This is May 22. Bilkul mat jana piche. Got it? Now comes the third tile. It says about the outcome. Now let's see what is the outcome for the month of May. 3-3. Okay. 3-3 says, financially to bahut achha month jayega ye aapka. Lekin. इमोशनली यू विल बी ड्रेन्ड आउट. कोई बातें हैं जो आपको इमोशनली बहुत वीक बनाती हैं. आपके इमोशंस हर्ट होते हैं बहुत जल्दी. अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं इमोशनली जो आप नहीं चाहते. हेल्थ भी सफ़र करती नज़र आ रही है मुझे बाबू. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड हाइड्रेट योर सेल्फ. ड्रिंक मोर ऑफ वाटर दिस मंथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फैमिली में भी मुझे थोड़ा सा इशू नज़र आ रहा है, अपनों से प्यार में, रिश्तों में नज़र आ रही है नाराज़गी. फिनेंशियली ठीक जाएगा, बिजनेस इज ओके, बट इमोशनली मुझे वीक लग रहा है ये मंथ एज कम्पेयर टू अदर मंथ्स. सो अगर मैं आपको ऑन द होल आपको रीडिंग बताऊँ, दिस मंथ इज मिक्सचर ऑफ इमोशंस. यू आर गेटिंग वीक. नहीं बाबू, ऐसे वीक नहीं होना, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग. और कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में आएंगे. फिनेंशियली आप बहुत अच्छा राइज करेंगे. डेफिनेटली जॉब लगेगी जिन लोगों की जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉफिट्स मिलेंगे. लेकिन जो इमोशनल प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं वो ज़्यादा आ रही हैं.
और कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं अपने आप से, बाहरी लोगों से एनिमीज भी दिख रहे हैं मुझे. गॉट इट. नंबर टू टू दिस इज एनिमीज आर ऑल्सो देयर. सो प्लीज़ अलर्ट, चेक एंड लेट मी नो हाउ इज़ द रीडिंग. एंड दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग ऑन यूट्यूब अबाउट द डोमिनोज रीडिंग. दीज आर द ब्यूटिफुल टाइल्स. यू कैन लर्न दिस मोडालिटी ऑल्सो. वेरी वेरी ब्यूटिफुल मोडालिटी. वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड एक्यूरेट रीडिंग. सो आई एम लविंग दिस. Quickly type, this month is the best month of my year. Thank you, universe. Jai Mata Di. Jaldi se likh dijiye comment box mein. Like, support, subscribe, and please, please, please comment. I'm waiting for your comments. Happy May, everyone. Love you. God bless you all.